शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं, काशी पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है वहां पर उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नीतीश के पास चलेंगे, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और नीतीश जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां से कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में गुजरने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और उनके कन्वॉय, तो सीधा नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, किसी भी वक्त आप गुजर सकते हैं वहां से शेर बहादुर देउबा? जी राजेंद्र जी, तरना से थोड़ा पहले उनका काफिला अभी पहुंच चुका है और बहुत तेज़ी से इन लोगों की ओर बढ़ रहा है काफिला, लेकिन जो रास्ते में लोग हैं वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, ये स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं वो पूरा मोबाइल से लैस होकर यहां पर पहुंची हुई हैं और तस्वीरें भी कहीं छूट ना जाए कोई, तो इनका भी प्रयास है। और इसके साथ साथ अपनी जो छात्राएँ हैं उनको भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखना है। तो कितनी तैयारी और उत्साह कितना? सर, इसकी तैयारी हम लोग 4 दिनों से कर रहे थे महाविद्यालय के सारे बच्चों के द्वारा। बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह है मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश में नेपाल के प्रधानमंत्री जी के आने का इतना बड़ा उत्साह है बच्चों का कि बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे अपने आप बैंड की तैयारी प्रैक्टिस किए हैं और पूरे महाविद्यालय भरपूर जोश बच्चों में आप देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा सर, हम लोग को लग रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आ रहे हैं और हम उनका बहुत तहे दिल से अपने पूरे विद्यालय की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आम काशीवासी होने के नाते कुछ उम्मीदें भी, कहते हैं कि कई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए और हर बार कुछ न कुछ एक नई चीज सामने आई, तो क्या आप इसके साथ भी उम्मीद? सर, हमें अभी तक आप लोग देख रहे होंगे करीब 10 सालों से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हमारा देश कर रहा है और यहाँ हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों को उतना ही उत्साहित करेंगे जितना हम उनके स्वागत में उत्साह में खड़े हैं। और हमें अपने सरकार से कल भी उम्मीद था, आज भी उम्मीद है और आने वाले समय में भी वो अच्छा काम करेंगे। देखा मैंने कि बहुत देर से तस्वीरें भी लगातार बना रहे थे आप, तो क्या जब वो गुजरेंगे तो उस दौरान भी तस्वीरें लेने की कोशिश? नहीं सर, उनको हम देखने के लिए इतने ललायित हैं कि उस समय आप सभी लोगों के द्वारा हमें फोटो मिल जाएंगे, हम उन्हें हम तो खबरें दिखा रहे हैं। ठीक है नीतीश, उम्मीद है कि आप हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।